वेलकम टू फूड विला कोलकाता। आज हम लोग चिकन की एक नई रेसिपी लाए हैं जो है पोटैटो मोल्ड करके हम लोग चिकन फ्राई बनाएंगे जो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनती है। इफ्तार में ये एकदम परफेक्ट रेसिपी है। आप अपने घर में इफ्तार में बनाइए, नाश्ते पे बनाइए या पार्टी में भी ये सर्व कर सकते हैं। आइए चिकन मोल्ड पोटैटो बनाने के लिए क्या क्या सामग्री लगेगी हम आपको दिखाते हैं। ये 250 ग्राम चिकन है जिसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। ये एक चम्मच सोया सॉस है, एक चम्मच टोमेटो सॉस, स्वाद अनुसार नमक, और ये आलू को मैंने इस तरीके से काट लिया है। ये देखिए, आप भी इस तरीके से काट लीजिएगा। ये अदरक का पेस्ट है, ये लहसुन का पेस्ट, ये चाट मसाला, ये ज़ीरा और धनिया का पाउडर है, और ये है लाल मिर्च पाउडर, और ये कॉर्नफ्लावर है। चिकन को पहले हम लोग अच्छे से धो लेंगे, उसके बाद में हम इसमें सारे मसाले डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और चाट मसाला, और ये सोया सॉस है, टोमेटो सॉस, स्वाद अनुसार नमक, और इसमें हम 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डालेंगे और इसे हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन को हम लोग मसाले में मिक्स कर लिए हैं। इसको हम लोग आधे घंटे के लिए रेस्ट में रख देंगे। तब तक हम लोग कॉर्नफ्लावर का एक घोल बना लेते हैं। ये कॉर्नफ्लावर है, इसमें हम फूड कलर डालेंगे। थोड़ा नमक डालेंगे और इसका हम लोग पतला घोल बना लेंगे। कॉर्नफ्लावर, फूड कलर और नमक का घोल मैंने बना लिया है। चिकन मेरा मैरिनेट हो चुका है अच्छे से। अब ये जो स्लाइस किए हुए आलू है इस कॉर्नफ्लावर में हम देखिए डब कर लेंगे, और ये एक छोटा जो पीस है ये इसमें डाल के इस तरीके से हम लोग यूं ये टूथपिक से ये इस तरीके से हम लोग बना लेंगे, और बाकी सारे हम लोग इस तरीके से सारे आलू में चिकन मोल्ड कर लेंगे। ये देखिए चिकन, ये सारे मैंने आलू के अंदर फील कर दिए हैं। ये देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब इसे हम फ्राई करने के लिए चलते हैं। तेल हमारा गरम हो चुका है चिकन पोटैटो फ्राई करने के लिए। अब इसमें हम एक एक करके ये चिकन के डालेंगे। हम लोग लाइट फ्लेम में पहले फ्राई करेंगे। इनको हम लाइट फ्लेम में फ्राई कर लेंगे। ये देखिए चिकन पोटैटो मोल्ड एकदम फ्राई हो चुका है। देखिए अंदर तक आप देख सकते हैं। ये देखिए पूरे अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे प्लेट में, और बाकी सारे मेरे जितने चिकन हैं वो इस तरीके से हम लोग फ्राई कर लेंगे। चिकन पोटैटो मोल्ड सब तैयार हो चुका है। ये देखिए कितना मज़ेदार लग रहा है।
चिकन भी देखिए बिल्कुल अंदर से फ्राई हो चुका है, ये पोटैटो आलू भी बिल्कुल फ्राई हो चुका है। आप अपने इफ्तार में इसको बनाइए, घर पर बनाइए, स्नैक्स के तौर पे ये बहुत अच्छी रेसिपी है। और साथ ही हमारे चैनल फूड विला कोलकाता को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिए, और इसी तरीके से नए नए रेसिपीज़ जानने के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।